स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंबोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन सेकेंड ईयर बायोलॉजी। टुडे वी डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशन फॉर बैलेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड वाटर अपटेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिफरेंट कैटेगरीज के प्लांट को डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू द ऑस्मो रेगुलेशन के प्लांट, कौन कौन से टाइप के प्लांट्स हैं, कौन सी कैटेगरीज के प्लांट्स हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। अब उसमें जब हमने लास्ट प्लांट को डिस्कस किया था डेट इज़ ज़ीरोफाइट, तो उसमें लिखा था कि ज़ीरोफाइट प्लांट्स अपने अंदर डिफरेंट एडेप्टेशंस करते हैं जब वो ड्राफ्ट कंडीशन में होते हैं, कैद साली की कंडीशन में होते हैं, या जब उनके पास वाटर नहीं मौजूद होता तो वो किस तरीके से अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और वो किस तरीके से अपने आप के वाटर को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है कि प्लांट किस तरीके से अपने अंदर कौन से एडेप्टेशंस करता है जब उसे वाटर की नीड होती है और उसके पास वाटर नहीं होता या बहुत कम अमाउंट में होता है, तो वो अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आता है। तो नंबर वन पॉइंट इज दे डिवलप अ वर्टिकल रूट्स फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब कि ये वो प्लांट्स होते हैं, क्या करते हैं कि अपने रूट्स को, अपनी जड़ों को बहुत ज़्यादा वर्टिकली बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। मतलब वो जो उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर मौजूद है उन्हें और गहराई में नीचे लेकर जाते हैं ताकि वो सोचते हैं कि और नीचे जाने से शायद उन्हें पानी मिल जाए। तो इस तरीके से वो पहला एडेप्टेशन वो अपने अंदर क्या करते हैं कि वो अपनी रूट्स को और ज़्यादा वर्टिकल करते हैं, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ दो प्लांट्स हैं, अकेशिया एंड बैनियान। ठीक है, ये दो प्लांट्स हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या, वो सेकंड क्या एडेप्टेशंस करते हैं, सेकंड एडेप्टेशंस वो ये करते हैं कि सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स डेवलप करते हैं। मतलब वो अपने सॉइल के ऊपर, मतलब जैसे हम रूट्स को देखते हैं तो वो ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन इनके रूट ज़मीन के अंदर नहीं होते, ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली, मतलब ज़मीन के एक्स एक्सिस के बेस पे पूरा यूँ ज़मीन पर फैले हुए होते हैं और दूर दूर तक जा रहे होते हैं। इन्हें हम हॉरिजॉन्टल रूट्स कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल रूट्स क्या करते हैं कि ज़मीन के ऊपर जो वाटर मौजूद है उसको जब क्या कहते हैं सनलाइट लगती है, तो सनलाइट होते वक्त वो एवापोरेट होता है, वो वाटर जो है वो सनलाइट से एवापोरेट होता है, तो वो एवापोरेट होने से पहले ही ये रूट सॉयल से उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसमें से जो हमारे पास प्लांट है डेट इज़ कैक्टाई प्लांट। इस कैक्टाई प्लांट को ज़रूर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, इसकी रूट्स आप जब देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि ये हॉरिजॉन्टल रूट्स किस तरीके से अपना वर्क करते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो किस, ये प्लांट अपने अंदर किस तरीके से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि वो किस तरीके से अपने अंदर से जो उनके लीव से स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर बाहर एवापोरेट हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे, क्योंकि उनके पास अगर वाटर नहीं है तो वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम हैं, अगर सोच लो हमारे घर में पानी नहीं आए, कभी किसी दिन हमें पता चले कि भाई आज पानी नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो वाटर हमारे पास मौजूद है हम उसको बिल्कुल ही एहतियात के साथ यूज़ करेंगे और इस तरीके से यूज़ करेंगे कि ज़्यादा पानी हम ना गिराएं। इसी तरीके से प्लांट क्या करते हैं कि जब उन्हें लगता है कि हमारे पास वाटर कम है तो वो नई एडेप्टेशन करते हैं। उसमें तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि वो ट्रांसपिरेशन के रेट को कम कर देते हैं। और ट्रांसपिरेशन के रेट को कैसे कम करते हैं, या वो स्टोमेटा के नंबर्स को कम कर देते हैं, मतलब स्टोमेटा कम कर देते हैं, या फिर वो अपने अंदर एक हेयरी एपिडर्मिस डेवलप कर देते हैं। मतलब उनके लीव्स के ऊपर, उनके स्टेम के ऊपर एक हेयरी एपिडर्मिस होती है, ठीक है। इसके साथ साथ वो अपने लीव्स को फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड कैसे करते हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरीके से दूंगा कि आपने देखा होगा कि सनफ्लावर हमारे पास सूरज की रोशनी में दिन में बिल्कुल ही मतलब ओपन हो जाता है, खुला हुआ होता है, बिल्कुल सन की तरफ होता है, बिल्कुल स्माइल सा दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मली जब रात का वक्त होता है तो वही सनफ्लावर जो है ना मुरझा जाता है और उसके जो लीव्स होते हैं वो फोल्ड हो चुके होते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही ये प्लांट्स अपने लीव को फोल्ड कर देते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट लीव्स जो है ना वो फोल्ड हुए हुए होते हैं, तो वो लीव्स इसीलिए फोल्ड होते हैं ताकि कम से कम स्टोमेटा जो है वो एनवायरमेंटल की तरफ से हो, एनवायरमेंट की तरफ से कम सनलाइट उनके लीव्स पे लगे और कम से कम स्टोमेटा से वाटर जो है वो एवापोरेट हो। इसी के साथ साथ वो क्या करते हैं, डिक्रीज द साइज ऑफ लेमिना। लेमिना क्या होता है कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि हमारे पास जो लीव होता है इस तरीके का, इस लीव के अंदर आपको यूं वेंस दिख रही होती हैं डिफरेंट तरह की, मैं इनको वेंस कह रहा हूँ इसे, ये जो वेन्स हैं ये क्या करती हैं वाटर लेकर आ रही होती हैं लीव्स तक, ठीक है। तो इनकी साइज़ को कम कर देते हैं, जब इनकी साइज़ को कम कर देते हैं तो वाटर कम आता है लीव्स की तरफ, जब वाटर कम आएगा लीव्स की तरफ तो स्टोमेटा से भी कम निकलेगा और वाटर भी कम जो है वो एवापोरेट होगा। इस तरीके से वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को जमा करते रहेंगे। लास्ट पॉइंट इज़ द स्टोर वाटर इन लार्ज पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट इन द स्टेम और द लीव।
कुछ प्लांट हमारे पास ऐसे हैं जिनके बॉडी के अंदर कुछ सेल्स हैं, वो स्पेशल काइंड ऑफ सेल एंड दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा सेल के अंदर वो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, और ऐसे प्लांट को हम कहते हैं सक्यूलेंट प्लांट। सक्यूलेंट प्लांट हमारे पास जो होते हैं, अगर इसके हम एग्जांपल्स देखें तो एलोवेरा, आपने देखा होगा कि जब एलोवेरा के लीव, वो लीव होता है बिल्कुल एलोवेरा का, उसको हम कट करते हैं, कहते हैं जूसी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो तमाम प्लांट जो कि पैरेन्काइमा सेल रखते हैं और वो अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं, वो उनके स्टेम या उनके जो लीव्स होते हैं वो जूसी होते हैं, और इसे हम सक्यूलेंट प्लांट्स कह रहे होते हैं। ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, और ये ज़्यादातर प्लांट डेजर्ट में पाए जाते हैं क्योंकि उनके पास वाटर की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ही होती है। ये तो चार वो एडेप्टेशन है जिसके थ्रू प्लांट अपने अंदर ट्रांसपायरेशन या वाटर के अपटेक को बैलेंस कर रहा होता है। इसके साथ साथ एक और एडोप्टेशन है जो कि सीड या स्पोर्ट्स में हो रही होती है। इस एडोप्टेशन के अंदर ये क्या करते हैं कि प्लांट्स अपने सीड को, सीड के अराउंड एक हार्ड कवरिंग डेवलप करते हैं। उस हार्ड कवरिंग से क्या होता है कि वो हार्ड कोट लगा देते हैं, जैसे अखरोट होता है, अखरोट के ऊपर आप देखें, या बादाम का जो एक कवर होता है, इस तरीके से वो अपने सीड के ऊपर एक कंडीशन, एक कोट कर देते हैं, हार्ड कोटिंग कर देते हैं। ये कोटिंग इनको हेल्प इस कंडीशन में करती है कि वो कोटिंग उस सीड को जो है वो ज़िंदा रखती है, और इतने टाइम तक वो सीड जो है बिल्कुल लाइव रहता है जब तक एक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती, या सोच लें कि अगर वाटर की डेफिशिएंसी थी तो जब तक वाटर नहीं आ जाता, जब तक वो सीड उसके अंदर रहता है और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद जब वाटर आ जाता है या वो फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो कॉर्ड जो है वो मज़ीद फिर वो सीड जो है वो डेवलप कर जाता है, और देन जो भी लाइफ साइकिल आगे चलनी होती है वो चल रही होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसे हमने डिस्कस किया कि प्लांट किस तरीके से अपने अंदर ट्रांसपायरेशन या फिर एडेप्टेशंस कर रहा होता है इन ड्राफ्ट कंडीशन, और टू बैलेंस द ट्रांसपायरेशन इन वाटर अपटेक। थैंक यू।